हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम प्रीत तिवारी है और आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ ब्यूटीफुल साइड मैसी वूवन हेयर स्टाइल। तो आप लोग देख के ट्राई ज़रूर कर लीजिएगा और बहुत आसानी से बना लोगे, बहुत ही स्टाइलिश लगेगा। कोई ओकेशन है, पार्टी है, तो भी आप ये हेयर स्टाइल बना सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हेयर स्टाइल। सबसे पहले आपको, अगर आप मैसी बन बना रहे हो, मैसी हेयर स्टाइल कर रहे हो, तो आप ज़्यादातर फिंगर का यूज़ कीजिएगा, तो आपका हेयर स्टाइल जो होता है वो ज़्यादा अच्छा दिखता है। तो यहाँ से इस तरीके से मैंने हेयर को ले लिया है, हेयर का थोड़ा सा सेक्शन ले लिया है। देन हेयर को हल्का सा ट्विस्ट करके इस तरीके से पुल करेंगे और थोड़ा थोड़ा सा पतला सा सेक्शन लेके इस तरीके से खींच देंगे, जिससे कि हमारे बालों में मैसी लुक अच्छे से आ जाएगा। ओके, इसके बाद आपको एक क्लिप लेना है और इसको सिक्योर कर लेना है। टिक टेक क्लिप, जो भी क्लिप आप चाहो वो ले सकते हो। यहाँ पर मैंने टिक टेक क्लिप से इसको सेट कर लिया है। अगेन आपको इस साइड से थोड़ा सा हेयर ले लेना है और जो हमारा ये हमने क्लिप लगाया था जस्ट इसके ऊपर लेके आएंगे और एक क्लिप लेना है और इसको सिक्योर कर लेना है। ओके, अगेन थोड़ा थोड़ा सेक्शन लेके इस तरीके से खींच लेंगे, जिससे कि आपके बालों का जो फ्लैट लुक ना दिखे, थोड़ा सा वॉल्यूम दिखे एंड मैसी सा लुक दिखे। उसके बाद अगेन दूसरी साइड से भी हेयर को सेम ले लेना है जैसे हमने इधर से लिया था। हेयर लेके एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, आपने ये वाली क्लिप इधर से लगाई है तो इसको भी ऐसे ही लेके जाना है और क्लिप हाइड करते हुए इस तरीके से थोड़ा सा ट्विस्ट करके और फिर एक क्लिप लगा देनी है। और क्लिप ऐसे लगाइएगा कि आपका क्लिप जो है वो दिखे नहीं, कोशिश कीजिएगा कि ढक जाए, और हल्का फुल्का दिखेगा भी तो कोई बात नहीं है। तो इस तरीके से मैंने लगा लिया है और थोड़ा थोड़ा चारों तरफ से खींच दिया है। बाकी सारे हेयर को, बाकी बचे हुए हेयर्स को इस तरीके से कॉम करेंगे, सॉरी कॉम कर लो या फिर फिंगर की मदद से आप ले लो और थोड़ा सा साइड में ला के यहाँ पे एक रबड़ बैंड की मदद से पोनी बना लेंगे। ओके, पोनी बना लिया आपने। इसके बाद से यहाँ से थोड़े से हेयर खींच लेंगे इस तरीके से, ताकि आपके हेयर खींचे हुए ना रहें एंड मैसी भी लुक आ जाए बालों में। अब थोड़ा सा बालों का सेक्शन लेंगे, बिल्कुल थोड़ा सा, और इस पर बैक कॉम्बिंग करेंगे। इसको और कम कर देती हूँ मैं। अच्छे से बैक कॉम्बिंग करने के बाद से आप इसको सिंपली बन का लुक बनाएंगे और यू पिन की मदद से सिक्योर कर लेंगे। ओके, एक यू पिन और ले लेंगे और अच्छे से इसको सिक्योर करेंगे। इससे हमारा रबड़ बैंड हाइड हो चुका है। अगेन आपको जो अपने हेयर छोड़े हुए हैं इनको थोड़ा थोड़ा सेक्शन लेना है और आपस में ट्विस्ट कर देना है। बहुत ही सुंदर सा आपका लो मैसी बन, लो साइड मैसी बन बन के रेडी हो जाएगा। आप शादी या छोटा मोटा फंक्शन है, पार्टी है, गाउन ड्रेस पहन रहे हो, तो आप ये सारे हेयर स्टाइल ट्राई कर सकते हो। इसके ऊपर से इस तरीके से लेके जाएंगे। ओके, एंड यू पिन से सेट कर देंगे। मैंने वही यू पिन यूज कर लिया है, आप दूसरा ले लीजिएगा। ओके, फिर से जो आपके हेयर हैं इनको टू पार्ट में डिवाइड कर लेंगे और फिर से इनको आपस में ट्विस्ट करेंगे। थोड़ा थोड़ा खींचेंगे, अगेन इस तरीके से लपेटते हुए यू पिन की मदद से सिक्योर करेंगे। ओके, फिर से जो आपके हेयर बचे हुए हैं, उसके बाद फिर से जो आपका हेयर बचा हुआ है इसको भी टू पार्ट्स में डिवाइड करेंगे
और आपस में ट्विस्ट करेंगे। हल्का हल्का खींचते हुए इस तरीके से लेके जाएंगे और आप अपने कंफर्ट के हिसाब से इसको एडजस्ट कर लीजिएगा। तो वो इस तरीके से बन गया है, पूरा बन हमारा बन के रेडी हो चुका है। इसके साथ आप चाहो तो गोल फ्लावर वगैरह ऐड कर सकते हो एंड आप फ्रंट से इस तरीके से खींच लीजिएगा थोड़ा और भी मैसी लुक दिखाने के लिए। ओके, लेयर्स आपकी चॉइस है, लेयर्स भी निकाल सकते हो। अब आप ये हेयर स्टाइल किसी भी है बन का फाइनल लुक। तो आप इस तरीके के यूपिन से इसको डेकोरेट कर सकते हो बन हेयर स्टाइल को। ये दिखने में भी काफ़ी अच्छा लगता है, काफ़ी स्टाइलिश लगता है एंड बहुत इजी तरीके से बन जाएगा। तो आप लोग जब इसको ट्राई कर सकते हो गाउन ड्रेस के साथ, साड़ी के साथ, पार्टी में कोई भी ओकेशन है तो आप इस तरीके से अपना ये हेयर स्टाइल बना सकते हो। और आप जगह जगह पर इस तरीके की शोल्स वाली यूपिन लगा लीजिएगा जिससे कि आपका बन को और भी अच्छा लुक मिल जाएगा, जिससे ये काफ़ी अच्छा और अट्रैक्टिव दिखेगा। तो आई होप कि आपको आज का हेयर स्टाइल पसंद आया हो, अच्छा लगा हो, ईजी लगा हो और स्टाइलिश भी लगा हो। तो बन को वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और भी इस तरीके की डिफरेंट डिफरेंट एंड यूनिक एंड यूज ईजी हेयर स्टाइल्स देखने के लिए। और बहुत सारी हेयर स्टाइल से रिलेटेड वीडियोज़ मेरे चैनल पर मिल जाएंगी। मैंने बिल्कुल भी मेकअप नहीं किया है, कुछ भी मेकअप नहीं, लिपस्टिक तक नहीं लगाया। आप इसको झुमके बालियाँ और हल्का फुल्का मेकअप के साथ बनाओगे ना तो बहुत ही अच्छा दिखेगा। तो ट्राई करना और बताना आगे से। आप इस तरीके से खींचिएगा जरूर बालों को, इससे आपको आपके बालों को एक इंस्टेंट वॉल्यूम मिलेगा जिससे कि आपका लुक काफ़ी अच्छा दिखेगा। और आप चाहो तो इसके साथ हेयर स्प्रे ऐड कर सकते हो, हेयर जेल लगा सकते हो अगर आपके बहुत ज़्यादा बेबी हेयर निकलते हैं तो। मेरे उतने ज़्यादा बेबी हेयर्स नहीं निकलते हैं, फिर भी मैंने बहुत सारे स्प्रे और जेल के साथ वीडियोज अपलोड की हुई हैं, आप चेकआउट कर लीजिएगा। और मुझे रिक्वेस्ट आ रही है मैम हेयर जेल के साथ वीडियो बनाने के लिए, तो उसके साथ भी बहुत जल्दी वीडियो लेके आ जाऊँगी। तो एक बार और देख लो इसका फाइनल लुक। और हेयर स्टाइल कैसे लगा कमेंट बॉक्स में जल्दी बता दीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय। इंस्टा आईडी प्रीति भाई 24 है, दूसरा चैनल है सिलाई कोर्स प्रीति भाई, तो उस पर भी जाए।